हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लजीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की। तो आलू टिक्की बनाने के लिए हमने ये आलू बॉईल कर लिए हैं और हमने इनको आलू को बॉईल करके अच्छे से छील के ठंडा करने के लिए रख दिया है। और ये हमने धनिया ली है, बारीक काट ली है, और ये बारीक हरी मिर्ची काट ली है। तो आलू को हम मैश करके इन सबको एक साथ मिक्स करेंगे और इसी में हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो मसाले हम कुछ, हमने हरी मिर्ची ली है तो हम आधा चम्मच लाल मिर्च ले रहे हैं और आधा चम्मच हम धनिया पाउडर ले रहे हैं और एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और ये आधा चम्मच हमारी हींग हो गई। अब हम इन सबको एक साथ मैश करके आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, हम इन सबको गिलास से मैश कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैसर नहीं है इसलिए हम इसको गिलास से ही मिक्स कर लेंगे। आलू को हम इस तरह अच्छे से फोड़ लेंगे। तो ये देखिए, और इसी तरीके से हम अच्छे से आलूओं को फोड़ के और एक साथ हम ये सब मसाला मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये आलू का डो तैयार कर लिया है। इसको हमने अच्छे से मैश करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, कितना अच्छा हो गया है। तो हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। हम हल्के से हाथ में तेल लगाएंगे और इसको इस तरीके से इसकी लोइयां बनाएंगे। तो लोइयां हम इसकी जैसी चाहें उतनी वैसी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। हम गोल बना रहे हैं तो इस तरीके से हम बना बना के ऐसे रख लेंगे। तो ये देखिए, हाथ में हल्का सा तेल लगाना है बस, और इस तरीके से पेड़ा जैसे बना देना है। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, हमने ये बर्तन ले लिया है, इसमें हम बेसन का घोल बनाएंगे। तो ये हमने बेसन लिया है। बेसन आप आलू के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमने दो बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है। तो इसी में हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिर्चा ऐड करेंगे, मतलब थोड़े थोड़े सब मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आलू में ऐड किया था वही सारे मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। याद रखिए कि उतने मसाले इसमें ऐड करें जितने कि आपने उसमें ऐड करें। ये देखिए, और इसमें हम अच्छे से थोड़ी सी अजवाइन भी क्रश करके डालेंगे। ये देखिए, और फिर इसको हम अच्छे से घोल बना लेंगे। तो घोल का हम आपको हाथों से भी बना के दिखा सकते हैं और चम्मच से भी बना सकते हैं। ये देखिए, हम चम्मच से बना रहे हैं घोल। तो इसमें हम नॉर्मल ही पानी डाल रहे हैं, इसमें गर्म पानी या फिर कोई मोहन वगैरह नहीं पड़ता है। ये देखिए, हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए। इसका घोल हम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाते हैं और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाते हैं। ये देखिए, अभी इसमें गुठलियाँ पड़ी हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये आलू का जो डो बनाया था उससे हमने ये टिक्की सारी बना ली है। तो देखिए, हमने ये टिक्की अच्छे से बना के रख ली है और ये हमने बेसन का घोल बनाया है। ये देखिए, इस तरीके का बेसन का घोल हमको बनाना है। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए, अब हम इनको इसमें डुबा के कढ़ाई में डालेंगे। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा तेल कढ़ाई में हमने रख दिया था, अच्छे से तेल गर्म हो गया है। ये हमें बेसन का घोल दिया है और ये टिक्की, तो इसमें हम डक करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको डक करके इसमें ऐसे डक देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसको हल्के हाथों से पकाएंगे।
देखिए दोस्तों हमारी ये आलू टिक्की अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो इनको हम लोग निकाल देते हैं। ये अच्छे से ब्राउन हो गई है, इनको हमने धीमी आंच पे पकाया है। तो ये देखिए इनको निकाल देते हैं और सेम उसी तरीके से हम इस तरीके से ढक करके इसको कढ़ाई में और डालेंगे। एक एक करके हम ढक करेंगे बेसन में और डालेंगे। सेम उसी तरह से तो देखिए दोस्तों हमारी आलू टिक्की बनके तैयार है। आप देखिए ये कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी बनी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये आलू टिक्की बहुत जल्दी और बहुत घर के सामान से ही बन जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं एक तोड़ के ये कितनी अच्छी और कितनी मुलायम बनी है। ये देखिए आलू टिक्की। तो आप इसको घर पर बना के चाय के साथ आराम से खा सकते हैं।